स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा टफ लगता है कुछ स्टूडेंट्स को। तो अगर ये टफ लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में मेरी गारंटी है आपको जो डिफिकल्टीज आ रही हैं वो नहीं आएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में आपको डे फर्स्ट से ही मैं इंग्लिश सिखाने की शुरुआत कर रहा हूँ। ये बेसिक इंग्लिश का डे फर्स्ट का वीडियो है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करनी है, साथ ही आपको बेसिक इंग्लिश पर बेस्ड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो कि आपकी इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश सीखते हैं या इंग्लिश क्या दुनिया की कोई भी भाषा सीखे तो आपको पता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भाषा को सीखना है तो उस भाषा के हमें क्या बनाते आना चाहिए, सेंटेंसेस बनाते आना चाहिए। अगर आप किसी कोचिंग क्लासेस को, किसी इंस्टीट्यूट को या फिर ऑनलाइन भी इंग्लिश सीखेंगे तो आपको जो भी ट्रेनर ट्रेन करेंगे, जो भी ट्रेनर आपको पढ़ाएंगे, वो सिर्फ आपको एक ही चीज़ सिखाएंगे, वो है सेंटेंसेस बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस बनाना अगर हमको इंग्लिश में आ गया तो इंग्लिश हमारे लिए आसान है। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने आज आपको कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। तो सेंटेंस में दो चीजें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स आपको, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब कहोगे सर ये नई चीज क्या बता रहा हो, प्रेडिकेट ही तो सुना ही नहीं, सब्जेक्ट तो ठीक है। चलो मैं बताता हूं क्या होता है सब्जेक्ट। जैसे आपने एक सेंटेंस, सिंपल सा कोई सा भी एक सेंटेंस ले लो आप, जैसे आपने एक सेंटेंस लिया कि ही इज रीडिंग अ बुक, एक लड़का है वो एक बुक को पढ़ रहा है। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। तो ये जो ही है स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन यहां से लगाकर यहां तक का ये जो कंटेंट है ये आपका प्रेडिकेट है। मतलब आपके सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर दो चीज होती है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे सर ये सेंटेंस तो सिंपल है। देखो सेंटेंस को समझे आप पहले। सेंटेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस, ये थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। दूसरा सेंटेंस की कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा होता है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं, वो बता रहा हूं सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स ये समझिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ये विशेष ध्यान देना है आपको, एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। और सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट कोई पर्सन ही हो। जैसे देखो ये ही है तो ये एक पर्सन है, शी, इट, आई, दिस, ये सारे आपके सब्जेक्ट है। इवन एक वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने कहा रनिंग, आपको बता दूं रनिंग भी आपका सब्जेक्ट है। रनिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, कोई वर्ब भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दिस, दैट, ये सारे आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग प्लूरल में यू, वी, दे, इसके अलावा दीज का प्लूरल बनता है स्टूडेंट्स दीज, दैट का प्लूरल बनता है दोज। और जैसे रनिंग है, अगर मान लो दो वर्ब आ जाए, जैसे मैंने कहा रनिंग एंड डांसिंग, तो यहां पर दो वर्ब आ गई है रनिंग एंड डांसिंग, तो रनिंग एंड डांसिंग जो है ये आपकी प्लूरल वर्ब के रूप में, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगी। मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बना के दिखाता हूं, शायद वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल सेंटेंस है, वो एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट वो ही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर रनिंग जो है ये आपका सब्जेक्ट है। अब एक तीसरा सेंटेंस मैंने कहा स्टूडेंट्स कि रनिंग एंड डांसिंग आर गुड एक्सरसाइजेस। सो नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स व्हाट यू आर सीइंग, आप देख रहे हैं कि यहां पर रनिंग और डांसिंग दोनों आपके क्या है, सब्जेक्ट है जो एंड से जुड़े हैं। यहां पर सिर्फ रनिंग आपका सब्जेक्ट और यहां पर ही आपका सब्जेक्ट है। तो पहली चीज तो आप यह समझे कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल दिमाग में यह नहीं रखे आप लोग कि सब्जेक्ट सिर्फ ही, शी, इट या आई, निम यही होता है, सब्जेक्ट आपकी वर्ब भी हो सकती है। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया यहां पर रनिंग ये जो है आपके किस तरीके से वर्क कर रही है, सब्जेक्ट के तौर पर वर्क कर रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सेंटेंस में दो चीजें होती है स्टूडेंट, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट की दो कैटेगरीज आपको स्पष्ट कर दी मैंने, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। अब मैं बात करता हूं प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट को समझने के लिए मैं चाहता हूं आप यहां पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। ये रहा आपका प्रेडिकेट, जिसके अंदर दो चीजें होती है स्टूडेंट। पहला होता है इसके अंदर वर्ब और दूसरा होता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, राइट। प्रेडिकेट के अंदर दो चीजें मिलेंगी, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। और वर्ब भी दो प्रकार की हो जाती है, एक हो जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हो जाती है मेन।
अब आप इस सेंटेंस में देखिए, ये जो इज है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन रीडिंग जो है वो आपकी मेन वर्ब है, और ये जो बुक है ये आपका ऑब्जेक्ट है इस रीडिंग का, राइट? मतलब इस चीज को समझिए, आपके प्रेडिकेट के अंदर दो चीजें होती है, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट। इंग्लिश मैंने कहा ना दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक है, अगर हम इसे समझ कर पढ़ते हैं तो। इसलिए मैं कहता हूं समझ कर पढ़िए हर एक चीज को। वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा कि यहां लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक, इसका हिंदी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं सभी, इसका हिंदी हो रहा है वह एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस की जगह आप वॉज लगा दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस की जगह वॉज लगा देंगे राइट, तो आपके सेंटेंस का मतलब जो है बदल जाएगा। मतलब आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो सेंटेंस का मतलब भी बदलेगा। अब सेंटेंस का मतलब होगा वह एक किताब पढ़ रहा था। अगर इस वॉज की जगह आपने विल बी लगा दिया तो आप सेंटेंस का मतलब होगा ही विल बी रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा होगा। अगर आपने इसकी जगह लिख दिया मे बी, He may be reading a book, तो इसका मतलब होगा शायद वह एक किताब पढ़ रहा होगा। अगर आपने might भी लगा दिया तो शायद ही वह एक किताब पढ़ रहा होगा। Once you change your helping verb, you have a different meaning. It means the meaning of the sentence depends upon helping verb that you use. That is why I am saying you students that you must be very careful when you are using helping verb. Helping verb जो होती है it plays a major role in learning. तो इनको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? इसके बाद बात करता हूं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब की अगर हम लोग बात करें तो मेन वर्ब को मैं यहां पर समझा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म, राइट? तो फर्स्ट फॉर्म जैसे आपने एक वर्ब ली स्पीक, इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टूडेंट्स स्पोक, थर्ड फॉर्म इसकी हो गई स्पोकन, एक जिसमें आपने आईएनजी लगाया वो हो गया स्पीकिंग, और एक जिसमें आपने एस और यस लगाया वो हो गया स्पीक्स। तो इस तरीके से आप देखिए वर्ब की कितनी फॉर्म हो गई, फाइव फॉर्म्स, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग एंड स्पीक्स। ऐसे हो गया कम, सेकंड होगी कैम, थर्ड होगी कम, एक जिसमें आईएनजी लगाया कमिंग, और एक जिसमें एस और यस लगाया कम्स। तो मेनली होता क्या है एक्चुअल में, इंग्लिश में वैसे तीन फॉर्म एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये जो फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म होती है, राइट? और ये फिफ्थ फॉर्म जो होती है इसमें हम एस और ईएस लगाते हैं। मेनली ये तीन फॉर्म ही इंग्लिश में होती है, याद रखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स को लैंग्वेज को सरल बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म को फोर्थ नाम दे देते हैं और फिफ्थ वाला नाम जो है एस और ईएस को देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को लर्निंग में डिफिकल्टीज नहीं हो। याद रखिए स्टूडेंट्स भाषा सरल है, बस उसको तरीके से लर्न किया जाए ना, तो तरीका सही होना चाहिए, पैटर्न सही होना चाहिए, वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। अब आप देखिए यहां पर मैंने अभी आपको जो बताया वो बताया कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो मेन वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं। तो आप सबसे पहले तो अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाओ, क्योंकि उसके अंदर कम से कम मैंने 500 प्लस में वर्ब जो है सेंड कर दी है। उसके अंदर आपको खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना, हंसना, गाना, चिल्लाना, देखना, घूरना, एवरीथिंग आपको मिल जाएंगे वर्ब की पूरी पांचों फॉर्म के साथ में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। तो वहां से देखो और वहां से अच्छे से लर्न करो आप। अब आप देखो मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये हो गया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको समझाई दी। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की। तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब को आप उम्मीद करता हूं समझे होंगे। हेल्पिंग वर्ब आपके तीन टेंस में होती है स्टूडेंट, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम लोग इससे बाहर जा रहे हैं एरिया से, एनीवे थोड़ा समझेंगे आप लोग। प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है जैसे आपने कहा इज एम आर, ये प्रेजेंट टेंस में आती है। पास्ट में क्या आता है वाज एंड वर, और फ्यूचर में will be, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। is, am, are, was, were and will be, ऐसे ही present में आता है has or have, past में क्या आता है had, और future में आता है आपका will have। तो ये आपके helping verb से ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे present में लगाया can, तो can का past क्या बनता है could, future क्या बनता है students will be able to। present, can, past, could, future, will be able to। present, is, am, are, past, was and were, future, will be। Present, has, have, past, had, or future, will have, shall have। तो आप लोग थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ के चले, आपके लिए चीजें लर्न करना काफी आसान हो जाएगा अगर आप इसको इस तरीके से लर्न कर रहे हैं तो। और लास्ट में होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तो बात ही नहीं करना है, ऑब्जेक्ट तो बहुत ही सरल है, क्योंकि जिस पर काम हो रहा है, जैसे मैंने कहा मैं एक पेन खरीद रहा हूं, तो ये पेन जो हो गया ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
मैं एक पेन खरीद रहा हूं तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम बाइंग अ पेन, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई एम बाइंग अ पेन, बाय में एनजी लगेगा, बाइंग हो जाएगा, आई एम बाइंग अ पेन, सिंपल, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये वर्क करता है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, पूरे सेशन को केयरफुली देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब आप बोर्ड पर देखिए, यहां पर मैंने टू बी और टू हैव स्पेशली दैट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले आप समझिए टू बी होता क्या है। इंग्लिश में जो टू बी ग्रुप होता है ना स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब का एक ग्रुप होता है जो प्रेजेंट में इजेमार की तरह, पास्ट में वॉज वर्ब की तरह और फ्यूचर में विल बी की तरह काम करता है। मतलब यही आपकी मेन वर्ब भी है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कंसिडर कर सकते हैं, मेन वर्ब भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टू बी को जब आप डिफाइन करते हैं तो प्रेजेंट में इजेमार हो जाता है, पास्ट में वॉज वर्ब हो जाता है, फ्यूचर में विल बी हो जाता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप देख भी सकते हैं कि विल के साथ में बी लगा है। विल अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब मान ले तो बी आपकी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब हो जाती है। तो ये बी वर्ब को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हैव वर्ब को पढ़ेंगे हम, हैव वर्ब को भी तीनों टेंस में पढ़ेंगे हम, हैज यो, हैड और विल हैव, जिसमें ये रहेगा आपका प्रेजेंट टेंस, ये रहेगा आपका पास्ट टेंस और ये रहेगा आपका फ्यूचर टेंस। बहुत ही केयरफुली आप सुनिएगा। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, आप पहले सब्जेक्ट जो भी लिखना चाहें लिख लें, ही शी दिस दैट रनिंग स्पीकिंग, जो भी लिखना चाहे आप, टॉकिंग है ना, टॉकिंग लिख ले, बातचीत, ठीक है, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हो गए। अब इनसे आपको सेंटेंसेस बनाना है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी सिस्टर है, शी इज माई सिस्टर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका हो गया ही और शी, और मान लो आप इन दोनों को जोड़ दें कि वह और वह मेरे भाई बहन है, तो वह और वह क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर आपका बन जाता है दे। तो आप इंग्लिश में कहोगे दे आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, वे दोनों बोलोगे, सो दे बोथ आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, वे दोनों मेरे भाई और बहन हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इन्हें इंग्लिश में बनाओगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्रेजेंट टेंस। पास्ट में जब आप इसे बनाते हैं तो आपने कहा वह बिजी था, ही वॉज बिजी, वह मार्केट में था, ही वॉज इन मार्केट। इन शॉर्ट आपके जो ये सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के कुछ होने का या फिर कहीं होने का बोध हो, कुछ होने का कहीं होने का, जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे एक लड़की है, मैंने कहा वह एक डॉक्टर है, अब आपने मान लो ऐसा बोल दिया कि वह इंग्लिश सीख रही है, तो ही इज इसमें नहीं बनेगा, वो कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा स्टूडेंट्स। उसमें मेन वर्ब आ रही है लर्निंग इंग्लिश, राइट, वो इसमें नहीं बनाना है। इसमें आपको क्या बोलना है कि वह इंग्लिश स्पीकर है, ही इज अ इंग्लिश स्पीकर, वह एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। मतलब आपको इसमें ऐसे सेंटेंसेस लेना है जिनमें आपकी मेन वर्ब नहीं आ रही हो, पॉइंट टू बी नोटेड। इनमें अगर आपको मेन वर्ब लगानी भी है तो आप टू लगाकर बाद में लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में। जैसे आपने कहा यह एक पेन है लिखने के लिए, सो दिस इज अ पेन टू राइट, लेकिन आप ये कभी नहीं कहोगे दिस इज राइट पेन लाइक, ऐसा कुछ, वो गलत हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था, ही वॉज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का होगा, ही विल बी अ गुड बॉय। तो है, था और होगा, प्रेजेंट में जो कुछ भी है, पास्ट में जो कुछ भी था और फ्यूचर में जो कुछ भी होगा। This is very much important, everyone. आप देख सकते कितना easy है ये, right? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप इसे negative करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, इस isMR के बाद में not लगा देना, was were के बाद में not लगा देना, will और be के बीच में not लगेगा student, याद रखना। वह डॉक्टर नहीं है, he is not a doctor, वो डॉक्टर नहीं था, he was not a doctor, वो डॉक्टर नहीं होगा, he will not be a doctor, this is very much important, बहुत important है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। अगर आप इसे इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं जिसमें सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से, तो आप इजेमार को आगे लगाएंगे, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से। इसमें आप आगे किसको लेंगे स्टूडेंट्स? वाज और वर को आप फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से। इसमें आप आगे सिर्फ विल को लेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और सेंटेंस की शुरुआत होगी क्या से। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या आप बिजी हैं? आर यू बिजी? क्या आप कल बिजी थे? Were you busy yesterday? और क्या कल आप बिजी होंगे? Will you be busy tomorrow? अब देखो tomorrow आने वाला कल, yesterday बीता हुआ कल, क्या कल आप बिजी थे इसका मतलब क्या हुआ? हम पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या कल आप बिजी होंगे इसका मतलब क्या हो रहा है? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इसमें yesterday, इसमें
आपका टुमारो लगेगा। अब इस तरीके से आप देखिए कितना आसान हो गया ये। ऐसे ही हम लोग टू हैव वर्ब की बात करते हैं। टू हैव वर्ब में जो भी चीज कर्ता के पास है, जो भी चीज कर्ता के पास थी और जो भी चीज कर्ता के पास होगी, राइट right? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इनको यूज करते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पास समय है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टाइम। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक। उसके पास बाइक है, उसके मतलब ही या शी की बात हो रही है। मैं लिख देता हूं कहां हैज लगाना, कहां हैव लगाना। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में आपको हैज लगाना है, आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में आपको हैव लगाना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एवरीवन, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। तो मैंने कहा उसके पास मतलब ही के पास, अगर लड़की है तो शी हैज अ कार। उसके पास कैमरा है, शी हैज अ कैमरा। लड़का है तो ही हैज अ कैमरा। और जब इसे आप नेगेटिव करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें लगता है डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप इसे जब नेगेटिव करते हैं तो इसमें डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं हम लोग, और डज नॉट को शॉर्ट में हम लोग डजंट भी कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसे डायरेक्ट नो लगाकर भी नेगेटिव कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है मतलब आई हैव नो टाइम। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं आई हैव नो टाइम, या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट हैव टाइम, या फिर आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम। गॉट इट? ऐसे आपने कहा रोहन के पास एक कार है, रोहन हैज अ कार। रोहन के पास कार नहीं है, रोहन हैज नो कार, या फिर रोहन डज नॉट हैव अ कार, या फिर रोहन डजंट हैव अ कार। दैट्स वेरी इजी, राइट। द नेक्स्ट वी हैव, रोहन के पास एक कार थी, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। सो रोहन हैड अ कार, रोहन के पास कार नहीं थी, रोहन हैड नो कार, या फिर आप इसमें सिंपल पास की तरह डिड नॉट लगा देंगे और डिड नॉट के बाद में आ जाएगा आपका हैव प्लस ऑब्जेक्ट। रोहन के पास कार नहीं थी तो रोहन डिड नॉट हैव अ कार, या फिर आप कहेंगे रोहन हैड नो कार। फ्यूचर में रोहन के पास कार होगी, रोहन विल हैव अ कार। रोहन के पास कार नहीं होगी, रोहन विल नॉट हैव अ कार। दिस इज नेगेटिव। अगर आप इसे इंटरगेटिव बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें आगे आएगा डू और डज, इसमें आगे आएगा डिड, और इसमें आगे आएगा विल। क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास समय था कल, डिड यू हैव टाइम यस्टरडे। और क्या कल आपके पास समय होगा, विल यू हैव टाइम टुमारो। दैट्स वेरी इजी। टेल मी स्टूडेंट्स हाउ इजी दे आर। क्या आपको लगता है टफ है, क्या आप मानते हैं कि इनको लर्न करना टफ है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं टफ है। अगर आप समझ के लर्न कर रहे हैं तो थिंग्स आर वेरी इजी टू लर्न, राइट। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इस फर्स्ट डे के वीडियो में मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प करी होगी इंग्लिश आपको सिखाने में। अगर वीडियो अच्छा लगा फटाफट फटाफट लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फायदा उठा सके। फर्स्ट डे का है, इसका सेकंड डे का वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि इसके बाद सीखने के बाद में क्या सीखना है और कैसे अपने आपको इंप्रूव करना है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा है, फटाफट फटाफट लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, बने रहो और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट को रीड करूंगा मैं पर्सनली, अगर कमेंट अच्छा लगा तो रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, हैव अ गुड डे।